के बाद उन्होंने उसको एक जो भी पीओ वगैरह सारा चीज देखा, पीओ भी कुछ था नहीं, कोई ब्रेड था यहाँ पे, बच्चा सोया था। फिर उसको एग्जामिन किया तो चूंकि दो दिन हो चुके थे तो उसने अपना सारा कपड़े भी धो लिए थे, बहुत कुछ खा लिया, लेकिन उसने एक जो हम लोग रक्षा सूत्र वाला धागा पहनते हैं वह धागा पहने, उस धागे में ब्लड के निशान थे। तो उसके बाद हमारे पास कुछ पुख्ता बातें आई, फिर हम लोगों ने उससे पूछताछ किया और फिर उसके कान के पीछे भी उसने मुंह हाथ धोया था नाखून में कई जगह पे कोलोबरेट होते हुए ये स्टैब्लिश हो गया कि कहीं न कहीं इस घटना में ये है। फिर उससे पूछताछ की गई तो ये बातें आई कि प्राकृतिक यौनाचार करते सदर उस बच्चे की हत्या और बच्चे का डेथ हो गया, उसके बाद उसने डेड बॉडी को छुपाने के लिए कुएं में फेंक दिया था। डेड बॉडी रिकवर हो गया, कपड़े सारे रिकवर हो गए और इस तरह से एफएसएफ के सहयोग के कारण एक सफल केस का सफल उद्भेदन हुआ। और मुझे विश्वास है कि अब यदि ट्रायल भी उस केस का पूरा हो गया होगा तो निश्चित रूप से सजा भी मिली होगी। पुलिस से गलतियां अक्सर कहां होती हैं? एविडेंस तो रहते ही है लेकिन एविडेंस कलेक्शन में किस तरह से गलती होती है, मैं इसका भी एक वाक्य आपको बताता हूं। मैं पटना में पदस्थापित था और शाम के समय एक ज्वेलर जो है अपनी दुकान बंद करके वो जा रहा, दुकान से करीब 100 मीटर दूर गया तो वहीं उसे गोली मारी गई और अपराधी पैसे जो झोला में लेके जा रहा था ज्वेलरी वगैरह वो लूट करके भाग गया। पटना में चूंकि 24 घंटा वायरलेस के सभी लोग और भी रेडियो और कॉल पर रहते हैं तो जैसे ही खबर की सूचना मिली सारे लोग इंक्लूडिंग डीएसपी जो एसपी सिटी एसपी एसएसपी डीआईजी सारे लोग पहुंचे और सहयोग से तब तक उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन पूछताछ में उसमें एक आदमी का चेहरा पता चला कि ये टेम्पो चालक था और हम लोगों ने उसको स्टैब्लिश करके बाद में भी रेड कर दिया, हथियार में पकड़ा गया और अरेस्टिंग भी हो गई। एक महीने के बाद हम लोगों ने उसको चार्जशीट भी कर दिया, बहुत सब वाहवाही हुई कि बहुत अच्छा केस का डिटेक्शन। करीब 7-8 साल के बाद अचानक हाईकोर्ट से एक ऑब्जर्वेशन आया कि इसमें जो सीजर बना है वो सीजर में ओवरराइडिंग और वो बियॉन्ड डाउट नहीं कहा जा सकता है और इसके कारण आईओ पे कार्रवाई होगी, जो एसएचओ थे उन पर कार्रवाई होगी और कई लोगों को इस कार्रवाई को हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशन के कारण समस्याओं का सामना करना। तो एविडेंस का कलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एफएसएफ की टीम जब जाती है तो वह वैज्ञानिक तरीके से चीजों को उठाती है और उसका सीजर भी जो है प्रॉपर करना बहुत आवश्यक है। यह और इस कमी के कारण जो सही जो दोषी व्यक्ति थे उन्हें हाईकोर्ट से इसका लाभ मिलता है, जबकि लोअर कोर्ट ने आईओ ने इस बात को जज के सामने स्वीकार किया और कि हाँ उसने और चूंकि अगले दिन सीजर लिस्ट बना था तो इसके कारण से उसने डेट लिखने में गलती हो, तो उसने इस बात को स्वीकार किया और इसको स्वीकारते हुए जो है दो व्यक्तियों को सजा सुनाई गई थी और कई लोग तो छूट गए थे, लेकिन उन दोनों को भी हमारे एविडेंस कलेक्शन में कमी के कारण जो है हाईकोर्ट से अभियुक्तों को लाभ। तो यदि वकील के नजरिए से सोचे